अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? सब खैरियत से हैं? ये आज मैं आपको अपनी एक बड़ी पसंद की चीज़ दिखा रही हूँ और ये है मोज़ेक, जो कि एक स्कूल की आर्ट क्लास के बच्चों की जो है वो आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाई है और एक स्कूल की उनकी क्लास के बाहर वॉल पे बनी हुई है और ये सारा बच्चों का काम है और बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं ख़ुद एक आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी आर्ट था, फाइन आर्ट्स, तो इसलिए मुझे तो ये चीज़ें बहुत एडमायर करती हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। ये इसका कुछ व्यू है इस तरह, ये एक दरख्त पे जो हैं ये सारे वो एनिमल्स बने हुए हैं, बर्ड्स हैं, सॉरी, आउल और ये जो है वो क्रो और ये बीच में सीगल्स भी हैं, बीच में ये बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज। तो ये देखें, ये सारा रिसाइकल स्टफ से उन्होंने बनाया ज़्यादातर, बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं दूसरी। ये देखें, इट्स सो प्रिटी और बहुत ही नीट तरीके से जो है वो उन्होंने इसको, और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रखा है ये सारा। ये सीगल, हनी बी, और ये जो है वो पीकॉक है, और मैं आपको इसको करीब से भी दिखाती हूँ कि जैसे उन्होंने वो उसको बहुत बहुत ही डिटेल वर्क किया इस मोज़ेक में उन्होंने, और ये सारा जो है वो इसमें ये इन्होंने पेबल्स भी यूज़ किए हैं और मार्बल्स भी हैं, पॉटरी है, ब्रोकन पॉटरी है, ब्लू पॉटरी जो होती है, और ग्लास है, लॉट्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास आपको नज़र आएगा इसमें, ग्लास है और ज़्यादातर ये ब्रोकन पॉटरी है और जिसको उन्होंने इसमें यूज़ किया है, सारा रिसाइकल स्टफ़ है। ये वॉल मोज़ेक बनी हुई है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा रही हूँ, ये वॉल मोज़ेक है, स्कूल की दीवार पे बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये बच्चों ने सारा अपना आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये अपना काम किया हुआ है अपनी क्लास के बाहर। ये ड्रैगन फ्लाई है, ये बटरफ्लाई, और ये पीकॉक, और ये बच्चों का काम है, ये उनका स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, और ये स्कूल के बाहर जो है ये उन्होंने अपना आर्ट का सारा काम किया हुआ है। ये मैं आपको पूरा फुल व्यू दिखाती हूँ, ये पीकॉक बना हुआ है और बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई। और ये जो है वो दूसरी साइड पे, ये भी सारी मोज़ेक बनी हुई है, वॉल मोज़ेक, और कितना प्यारा काम किया हुआ है बच्चों ने, इट्स लवली। डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो सारे एनिमल्स हैं, ये सीगल बना हुआ है, ये एक हनी बी है, बटरफ्लाइज, और इसके जो हैं वो सारा रिसाइकल ज़्यादातर बीच में स्टफ़ भी यूज़ किया हुआ है, और साथ बीच में ये पॉटरी के जो हैं वो सारे जो हैं ये पत्ते जो हैं ये पॉटरी में बने हुए हैं, और ये सारे जो लीव्स हैं ये बीच में आउल बैठा हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको अच्छा लगे, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल सकें, और लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो है वो हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। मुझे बहरहाल जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं जो कि शॉपिंग के हैं और लंदन के डिफरेंट एरियाज़ के हैं, मैं आपको लंदन जहाँ जहाँ घूमती हूँ मैं सब दिखाती हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और ये पत्ते भी नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो कि हमारे सारा जो है वो आजकल लंदन जो है वो भरा हुआ है पत्तों से, तो ये स्कूल के अंदर भी बेशुमार पत्ता पड़ा हुआ है। चलें, एनीवे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।